पार्टी की लड़ाई। नहीं बहुत सही भाई आपने बात कही, और दीपक जी ये तो जो इन्होंने बड़े अच्छी बात पे इशारा किया है कि अडानी के लिए बहुत जरूरी, अडानी के लिए मुझे लगता है अंबानी से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो पावर का प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश के लिए लगाया गया है उसमें तमाम जिस तरीके के मैनिपुलेशंस करे गए हैं, और अगर बीजेपी की सरकार वहां नहीं रहती है तो बड़े खतरे में पड़ जाएंगे और बड़ा नुकसान हो जाएगा, और अडानी जी का नुकसान होगा तो बेचारे मोदी जी का नुकसान। बहरहाल तो दीपक कुचागवे, आपको आपको क्या लगता है कि हालात किस तरीके से बन रहे हैं, आप इतनी करीब बैठे हुए हैं वहां से? देखिए उर्वलेश भाई ने जो कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा और अब इंडिया ब्लॉक की बात की, मुझे जो लग रहा है अभी, और जिसने कहा कि कल्पना सोरेन ने बड़ी तरीके से हवा बना दी है विपक्ष को, इंडिया ब्लॉक के लोगों को, उन्होंने मैया का योजना और लोगों के साथ मिलना, और वो बड़े बहुत तरीके से एक्सेप्टेबल होते जा रही हैं महिलाओं के बीच, उसके अलावा समझदारी भी है, वो तो अलग बात। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया, आपको साफ झलकेगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं लगता है सिक्योर नहीं है, चाहे उन्होंने जो परिवारवाद की बात की, उन्होंने जिस तरह से परिवारवाद में हेमंत सोरेन को भी लपेटा, लालू को भी लपेटा और लोगों को भी लपेटा, तो अगर जिस तरह का खेल बीजेपी ने किया है, देखिए उन्होंने क्या किया, अर्जुन मुंडा अभी हार के आए, हार गए, अपनी अपनी पत्नी को उन्होंने टिकट दिलाया, रघुवर दास ने अपनी बहू को टिकट दिलवा दिया, चंपाई सोरेन ने अपने बेटे के लिए टिकट दिलवा दिया और अपने भी खुद टिकट ले बैठे, मधु कोड़ा ने अपनी बीवी को दिला दिया, यानी कोल्हान में चार सीएम, चारों सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर है, कोल्हान जिसकी बात अभी कह रहे थे कि वहां से 14 सीट है, तो ये जो टिकट बंटवारा है ये डिफेंस दिखाता है, ऑफेंस नहीं दिखाता है कि हम डिफेंस होके ऐसे लोगों को करें। अब गीता कोड़ा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के बाद फिर उन्हें असेंबली का टिकट दिया, तो ये कहने का मतलब है, मैं ये मान रहा हूँ झारखंड को मैंने भी बहुत करीब से देखा है, रुबिलेश भाई जानते हैं, और दुमका को देखा है, दुमका के करीब में रहने वाला भी हूँ, शिबू सोरेन को देखा है, तो ये जो झारखंड में 28 सीट है शेड्यूल ट्राइब के, 28 सीट जो डीसीसी है, 28 सीट पर अगर जो सेंध लगा देगा वो निकल जाएगा, तो अभी के परिस्थिति में जो परिवारवाद में, देखिए वो चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई भी आ गए, उनकी भाभी भी आ गई, यानी मिलाकर जिस तरह से परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी ने ये दिखाया कि अब वो कोई इशू नहीं है, अब वो हेमंत के खिलाफ कैसे बोलेंगे परिवार की परिवारवाद, तो ये सवाल उठता है कि बीजेपी में करीब 3 महीने से शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मगर एक बड़ा तोड़ नहीं तोड़ पाए, और जेएमएम को बड़े तरीके से नहीं तोड़ पाए, चंपाई सोरेन को लाए, और मैं भी चंपाई सोरेन को देखा हूँ करीब से, चंपाई सोरेन को लाने का उनको पहले ही टिकट रिफ्यूज हो जाता, क्योंकि सरायकेला में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को बहुत कम वोट आया था, और हेमंत सोरेन चाह नहीं रहे थे और वो अपने बेटे के टिकट मांग रहे थे, तो ये फैक्टर मुझे लगता है कि शिबू सोरेन के तीर धनुष, जब तक शिबू सोरेन है अंत अंत तक उनका तीर धनुष संथाल और आदिवासियों के बीच घूमता है, अंत में वो हारते हारते भी जीत जाते हैं, तो मेरा ये कहना है कि चुनाव है, देखिए अबर चुनाव का जो मुख है हेमंता और हेमंत के बीच है, हेमंता वहां के मैनेजर है बीजेपी के और मैनेजर हो गए हेमंत सोरेन, ये कहते हेमंता और हेमंत क्या करेंगे आगे, ये देखने वाली बात होगी, मगर ये साफ तौर से आप देखिए क्या है, लुइस मरांडी, लुइस मरांडी एक नाम है, 14 में उन्होंने हेमंत सोरेन को हराया था दुमका से, बरहेट से वो जीत गए थे तो उनकी सदस्यता रह गई थी, वो लगातार दुमका में जो शिबू सोरेन का एक एरिया रहा और वहां से वो लगातार आंदोलन करते रहे 80 में, तो वहां पर पहला कमल का फूल उसने खिलाया,
अब वहां हो गया तो उसके बाद ये छोड़ना आप बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। संथाल परगना का जो एरिया है वो अच्छी बात नहीं है। सीता सोरेन को पहले तोड़ा, कोई असर नहीं हुआ, वो हार गई और अब सीता सोरेन को जामताड़ा भेज दिया, यानी उनका पॉलिटिकल खून करने की तैयारी की गई कि फुरकान अंसारी का जो इलाका है उस इलाका में वो कैसे जीतेंगे। उन्होंने अपनी बेटी की के लिए टिकट मांगा, मगर कल उन्होंने बड़े तरीके से कहा कि ये जो जामा का सीट है, जामा दुमका से थोड़ा करीब है, जामा का सीट जो है मेरे ससुर का था, मेरे पति का था, यानी ससुर की याद आई उनको पहली बार, ससुर के विद्रोह करने के बाद ससुर की याद आई उनको। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम इस टूअरली बहुत सही बात है कि बीजेपी जो लास्ट में गेम करती है, जिस तरह से बीजेपी पिछड़ने के बाद आगे होती है, ये सब भी देखने वाली बात होगी। मगर अभी मैं मानता हूं कि जिस तरह से बीजेपी में नाराजगी है, बहुत लोग छोड़ रहे हैं, और हेमंत सोरेन के घर में रात में कल जब लुईस मरांडी ज्वाइन करने जा रही थी, उस समय जो काफिला था और जो नेताओं की भीड़ थी, लुईस मरांडी 20 तारीख को रिजाइन कर दी थी और दो दिन उन्होंने सीएम का वेट किया था कि सीएम आएंगे तब हम, इसीलिए उन्होंने रात में ज्वाइन किया, भले दुमका से उन्हें टिकट मिले या जामा से मिले, तो वो उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं दुमका से लड़ूंगा और जामा से बसंत सोरेन जो दुमका के विधायक है और शिबू सोरेन के छोटे बेटे, ये सारी बातें चल रही हैं। मगर उत्साह मैं देख रहा हूँ, देखिए बीच में थोड़ा आरजेडी ने थोड़ा गेम किया था, आरजेडी ने 16-17 सीट की बात की थी, 4 सीट दी जा रही थी, तो मनोज झा ने पूरे तरीके से कहा कि 14-15 सीटों पर हमारा बहुत बड़ा यहाँ ब्लॉक है, मगर देखा कि गठबंधन टूटेगा, लालू प्रसाद ने इंटरवीन किया और लालू प्रसाद ने फिर इंटरवीन करके 7 सीटों पर उनको आया, नहीं तो उसमें थोड़ा लग रहा था कि दिक्कत है। तो कांग्रेस का बहुत सही उर्मिलेश भाई ने कहा, बिहार वाली स्थिति नहीं है, वहां बिहार में कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे लालू के कंधे पर है, और वहां की कांग्रेस जो है, वहां की कांग्रेस का कल्चर भी रहा, कल्चर रहा है कांग्रेस का। तो ये मिला जुला के आपको अभी तो चुनाव 13, देखिए 5 जनवरी को खत्म होने वाला था, हरियाणा में चुनाव जीतने का उत्साह, और उन्होंने देखा कि ये मौका है, इसलिए 5 जनवरी से पहले उन्होंने चुनाव की घोषणा करा दी, जो जिसका विरोध हुआ। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी देख रही है कि हरियाणा वाला इतिहास दोहरा दिया जाए, ये हम कह नहीं सकते, बीजेपी एक अलग माहिर खिलाड़ी है चुनाव लड़ने में, और 24 घंटे चुनाव के गुजोर गणित गुना भाग ये करते रहती, मगर अभी की स्थिति में मोरल हेमंत सोरेन का है और संथालों का सिंपैथी है कि उसे जेल भेज दिया गया और उन्हें तंग किया गया, ये संथालों में, और संथाल जो होते हैं बड़े भावुक होते हैं।